अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पंडित जी, शादी की सारी सामग्री आ गई है, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? सर्वोत्तम उत्तम व्यवस्था। तो पंडित जी, शादी की विधि शुरू करने में और कितना टाइम है? हो गया है मुहूर्त, वरवधु को बुलाइए। पांचों वरवधुओं को लेकर के यहाँ पर पहुंच जाएं। वधु एक दूसरे को माला पहनावे। वागरधारुधम प्रक्तो वागर। दीक्षा क्या हुआ बेटा? बोलो बेटा। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। दीक्षा, गले में क्या बेटा बोलो ना। दीक्षा कुछ बोलो ना बेटा। डॉक्टर बस 500 रुपए आ रहा है। दीक्षा कुछ बोलो बेटा। अरे कोई पानी ला जल्दी से। दीक्षा आंखें खोल। दीक्षा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। दीक्षा ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई। इस सीआईडी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सर मैंने आपको फोन किया था, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मेरा नाम दिनेश है। ये देखिए, आइए आप लोग साइड में जाइए। प्लीज आप साइड में जाइए। आइए पूरा एरिया सील कर दो। यस सर। चेहरा तो बिल्कुल सूज गया है, लाल हो गया सर। ऐसा लग रहा है किसी जहरीली चीज ने काटा हो इसे। आपके साथ शादी होने वाली थी दीक्षा की? जी हाँ, मेरा नाम अनुज है। अनुज ये बताओ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था? सर पहले पंडित जी ने हम सबको मंडप में बुलाया,
फिर विधि के अनुसार मैंने और दीक्षा ने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर हम फेरे पूरे ही करने वाले थे कि उससे पहले ही दीक्षा अचानक चिल्लाई और मंडप में गिर गई। अचानक? जी अचानक। फिर कुछ कहा उस वक्त उसने? कुछ बोला? जी कुछ कहा तो नहीं, काफी काफी बेचैन हो गई थी, पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। और सिर्फ इतना ही कह रही थी कि उसके गले में कुछ। क्या गले में? क्या मैंने वो ही पूछा था दीक्षा से, लेकिन उसके पहले उसने दम तोड़ दिया। आप दीक्षा की? मैं दीक्षा की चाची रीमा, और ये मेरे पति है सूरज। और दीक्षा के माँ बाप? वो इस दुनिया में नहीं रहे, हम दोनों ही उसके लिए सब कुछ थे। सर एक लड़की हंसी खुशी आती है शादी के मंडप में फेर लेने के लिए, अचानक कुछ होता है और दो मिनट में इसकी मौत हो जाती है। बेटी लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। देखिए हम समझते हैं कि आप लोगों पे क्या बीत रही है, पर तहकीकात करनी तो जरूरी है। कोई बात नहीं ऑफिसर। कि आप लोग दीक्षा के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी देंगे हमें इस केस में उतनी मदद मिलेगी। दीक्षा एक बहुत ही हंसमुख लड़की थी, हर लड़की की तरह वो भी बहुत खुश थी कि उसकी शादी होने वाली है। बस शादी के वक्त अपने माँ बाप को याद करके थोड़ा भावुक हो गई थी वो। आपने कहा कि फेरे लेते वक्त दीक्षा को कुछ हुआ, वो अचानक चिल्लाई और मंडप में गिर गई। जी, और अपना गला पकड़ रही थी, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। अच्छा दीक्षा को कोई बीमारी थी क्या? आई मीन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह? नहीं ऑफिसर, उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। ऐसा हुआ क्या होगा इस दीक्षा के साथ, शादी के मंडप में उसे दम तोड़ना पड़ा। हाँ सारंग, कुछ पता चला किस वजह से मौत हुई दीक्षा की? बस दीक्षा की मौत ना तो किसी किस्म के जहर से हुई, ना ही किसी हथियार से हुई। तो फिर? बस इस लड़की की मौत एलर्जी से हुई, प्रत्युन जल, सीवियर एलर्जी। एलर्जी से? हाँ बस, इस लड़की का पूरा शरीर लाल हो गया, ये देखिए इसके हाथों पर, इसके चेहरे पर ये रैशेज हो गए। और ऐसा तभी होता है जब शरीर किसी ऐसी चीज के संपर्क में आता है जो उसके शरीर को बर्दाश्त नहीं होता, और उसी की वजह से इतना जबरदस्त रिएक्शन होता है। मगर एलर्जी किस चीज की हुई है इसे? ये तो अभी पता नहीं लगा है, लेकिन इंसान को तो किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। किसी किसी को धूल से, परफ्यूम से, यहाँ तक के खाने पीने की चीजों से भी एलर्जी होती है, मूंगफली, दही, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। तो इसका मतलब शादी में इसने कुछ ऐसा खाया या सूंघा है जिसकी वजह से इतना घातक रिएक्शन हुआ इसे? हाँ बिल्कुल, उसी की वजह से इसका विंड पाइप, सांस लेने की नली इतनी बुरी तरह से सूज गई कि ये बेचारी सांस भी नहीं ले पाई, वही की वही इसकी मौत हो गई। तो फिर क्या क्या खाया इसने सड़के जिसकी वजह से इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? बस अभी तक इसकी ऑटोप्सी नहीं की है, ऑटोप्सी करने के बाद पता लगेगा इसे किसी खाने की चीज से एलर्जी हुई है या नहीं। सर, दीक्षा की आंटी बता रही थी कि मंडप में आने के बाद अचानक इसे कुछ हुआ, ये इसने अपना गला पकड़ लिया, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी मगर अचानक गिर गई और फिर इसकी मौत हो गई। मगर अभिजीत एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर दीक्षा को किसी बात की, किसी चीज की एलर्जी थी तो ये बात उसके अंकल आंटी को तो पता होनी ही चाहिए थी, है ना? आप लोग दीक्षा की मौत की वजह का कुछ पता चला? हाँ, क्या पता चला? क्या हुआ था मेरी बच्ची को? एलर्जी। एलर्जी? कैसी एलर्जी? क्या दीक्षा को किसी चीज से एलर्जी थी, किसी चीज से उसे उत्तेजना होती हो जिससे
जलन या परेशानी होती थी उसे? देखिए, मंडप में भी दीक्षा किसी ऐसी ही चीज के संपर्क में आई थी जिसकी वजह से उसे एलर्जी हुई और वो एलर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। पर ऐसी कौन सी चीज हो सकती सर? यही पता करने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोग साथ में रहते थे तो आपको तो पता ही होगा कि उसे किन किन चीजों से एलर्जी थी, जैसे कुमकुम, धुआं या फिर फूल वगैरह। धूप और अगरबत्ती तो वो रोज करती थी, और पूजा के बाद पहले अपने माथे पर और फिर हम दोनों के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती थी। कोई और वस्तु जो उस दिन शादी के मंडप में मौजूद हो जिसकी वजह से उसे एलर्जी हुई हो? मुझे नहीं लगता सर कि इन्हें कुछ पता होगा, क्योंकि अगर इन्हें कुछ पता होता तो वो वस्तु वहाँ रहने क्यों देते सर? और क्या, उसने हमें कुछ बताया ही नहीं। उसने एक बार इशारा भी कर दिया होता तो हम उस चीज़ को वहाँ से तुरंत हटवा देते। तो सर फिर पता कैसे चलेगा कि दीक्षा को किस चीज़ से एलर्जी हुई थी? एक किस्सा हुआ था उसके साथ। कैसा किस्सा, कहाँ? कुछ दिनों पहले हम जब होटल में खाना खाने गए थे तो अचानक वो बेचैन हो गई थी। हाँ सर, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी और गला भी सूखने लगा था। तो आप लोगों ने इससे पूछा नहीं कि क्या हुआ था उसे? पूछा था हमने तो उसने कहा कि किसी खाने की खुशबू की वजह से परेशानी हुई है। ये किस खाने की वजह से हुआ था? सर ये तो हमने नहीं पूछा। उसने कहा कि वो अब ठीक है तो हमने इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। सर हो सकता है दीक्षा को किसी सब्जी या फल की एलर्जी हो। हाँ सर, और उसने गलती से वो खा लिया और उसकी मौत हो गई। अगर ऐसा कुछ खाया होगा तो दीक्षा के पेट में जरूर उस चीज के अंश मिलेंगे। नहीं भैया, दीक्षा के पेट में खाने की कोई भी चीज नहीं मिली। उसने कई घंटों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे लगता है दया, शादी के हॉल में जो बाकी की चीजें थी जैसे पूजा का सामान वगैरह, उनमें से किसी चीज की वजह से दीक्षा को एलर्जी हुई। हाँ ओके बाय। ये अनुज, दीक्षा के मंडप के नीचे की हर एक चीज का सैंपल ले लो। ये फल फूल विधि की सामग्री कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर सर, अगर दीक्षा को हवन कुंड से निकलने वाले धुएं से एलर्जी थी तो उसका तो सैंपल मिला ही नहीं। निखिल, ये हवन कुंड के अंदर बची हुई लकड़ियां हैं ना, उनका भी सैंपल ले लेना। सर सर, क्या हुआ था, कुछ पता चला दीक्षा? मैं साहब, तहकीकात जारी है। आप ये बताइए, आप इस फंक्शन के दौरान पूरे टाइम यहीं पे थे? जी सर। तो मुझे हर चीज की डिटेल चाहिए। ये दूल्हा दुल्हन यहाँ पे कब आए थे, क्या विधि हुई और कितने कपल्स की शादी थी? सर 5 कपल्स की एक साथ शादी होने वाली थी। दोपहर में करीब 1 बजे वर वधू अपने अपने संबंधियों के साथ आ गए थे, लंच किया, उसके बाद अपने अपने कमरों में तैयार होने चले गए। फिर फेरों के समय उन्हें बुलाया गया। वर ने वधू को, वधू ने वर को वरमाला पहनाई। पंडित जी ने उसके बाद फेरों की रस्म चालू कर दी। ये शादी की विधि की सामग्री कौन लाया था? मैं लाया था सर। पंडित जी ने जो लिस्ट दी थी उसे ऑर्डर करके हमने पहले ही मंगवा लिया था। आप लेकर आए थे? जी। मिस्टर दिनेश, मैं आपको एक बात बता दूं, दीक्षा ने इस मंडप के नीचे किसी चीज को हाथ लगाया जो उसके लिए घातक साबित हुआ। फिलहाल तो हम यहाँ के सारे सैंपल्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आपको भी ब्यूरो में आना पड़ेगा। फूलों की माला में ये सर, ये देखिए क्या हुआ। देखिए मशरूम्स। मशरूम? दीक्षा की वरमाला में मशरूम? ओह तारिका, इसका मतलब इस दीक्षा को मशरूम से एलर्जी थी। क्या हुआ सरंखी, तेरा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों? मशरूम की वजह से। मशरूम की वजह से? हाँ, और बॉस इन्हीं मशरूम की वजह से दीक्षा की मौत हुई। क्या, मशरूम से मौत? बड़ी अजीब बात है। हाँ, और ये मशरूम्स हमें दीक्षा की वरमाला में से मिले। दीक्षा की वरमाला में मशरूम? कैसे हो सकता है? हो सकता है,
तारिका जी ने कहा तो सही कहा होगा। क्यों, तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? हैं? मुझे कुछ प्रॉब्लम? ये मशरूम दीक्षा की वरमाला में थे। दीक्षा ने वरमाला पहनी, उसे मशरूम की गंध आई, उसे एलर्जी हुई और इस एलर्जी की वजह से उसकी मौत हो गई। मतलब सर, जिसने भी ये हरकत की है वो अच्छी तरीके से जानता था कि दीक्षा को मशरूम से एलर्जी थी। लेकिन सर, वो कौन हो सकता है? वो कौन हो सकता है? ये दीक्षा के घर वाले या फिर वो फूल वाला जिसने ये वरमाला बनाई, वो बताएंगे। मैं देखता हूं। आइए। इंस्पेक्टर, दीक्षा को किस चीज से एलर्जी थी कुछ पता चला? दीक्षा को मशरूम की एलर्जी थी। मशरूम की एलर्जी? आप लोग जानते थे इसके बारे में? जी हाँ। मतलब दीक्षा को मशरूम पसंद नहीं थे ये बात तो हमें पता थी, लेकिन इस बात का ये नतीजा आएगा ये तो हमें अंदाजा ही नहीं था। लेकिन वहाँ मंडप में मशरूम आए कहाँ से? मशरूम दीक्षा के फूलों वाले हार में थे। क्या? जी हाँ, वो मशरूम किसी ने जानबूझकर उस फूलों वाले हार में लगाए थे, जिससे दीक्षा की विंड पाइप यानी कि सांस लेने की नली में कुछ इरिटेशन हुई, उसकी वजह से उसकी सांसें बंद हो गई। जानबूझकर? जी हाँ, वो जानता था कि दीक्षा को मशरूम से एलर्जी है। और वो ये भी जानता था कि मशरूम दीक्षा के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। आपका ये कहना किसी ने दीक्षा की जान ली है? खून हुआ है दीक्षा का और हथियार है मशरूम। लेकिन सर, कोई दीक्षा को क्यों मारना चाहेगा? ये तो हम भी जानना चाहते। कोई दीक्षा का दुश्मन है क्या? नहीं सर, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो क्या हम दीक्षा के कमरे की तलाशी ले सकते हैं? सर, ये सुमित है, दीक्षा का पहला मंगेतर। यानी दीक्षा की शादी पहले किसी और के साथ तय हुई थी? जी हाँ, लेकिन शादी वाले दिन ही मंडप में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई, उसमें कई लोग मारे गए। मरने वालों में सुमित भी था? जी हाँ। अच्छा, जब आग लगी उस वक्त दीक्षा और आप लोग कहाँ थे बताइए? आप सब लोग उस वक्त कहाँ थे? हम लोग मंडप छोड़कर वापस आ गए थे। मंडप छोड़ के वापस आ गए थे? लेकिन क्या वजह थी? शादी वाले दिन दीक्षा को पता चल गया कि सुमित गैर कानूनी धंधे करता था। इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हुई। दीक्षा ने उससे अपनी शादी तोड़ दी और हम लोग वापस आ गए। और आग उसके बाद लगी? जी हाँ। सुमित का स्वभाव अच्छा नहीं था, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये सब उसकी आदत थी। सर, जिस पे शक किया जा सकता था वो सुमित तो पहले ही मर चुका है। सर, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि दीक्षा के हार में मशरूम्स किसने लगाए थे? कि मशरूम किसने लगाया वो तो हार बनाने वाला ही बताएगा। हाँ हाँ, सारी मालाओं में गुलाब के फूल रहेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। हाँ हाँ, 9 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। कहिए साहब, क्या चाहिए आपको? मशरूम की माला। मशरूम की माला?
देखिए, हम मशरूम की माला नहीं बनाते और ना ही मशरूम बेचते हैं। कल जो सामूहिक विवाह हुआ था उसमें तुम्हारे यहाँ से 5 वरमालाओं की डिलीवरी हुई थी, जिसमें से एक में मशरूम लगाए गए थे, क्यों? हाँ, डिलीवरी जरूर मेरे यहाँ से हुई थी, लेकिन हमने कोई मशरूम नहीं पिराया था उसके अंदर। उस माला में लगी हुई मशरूम की वजह से एक लड़की को एलर्जी हुई और उसकी मौत हो गई। क्या मौत हो गई? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने ऐसी कोई माला नहीं बनाई है जिसमें मशरूम हो। सर देख, सच सच बताते हैं, उस माला में मशरूम आया कहाँ से? सर मुझे नहीं पता कहाँ से आया, उन मालाओं को मैंने अपने हाथों से बनाया था और उन टोकरियों को मैंने इन पेपर से पैक किया था, इन गोल्डन कलर के पेपर से। सर मेरे यकीन कीजिए सर, अगर मालाओं में मशरूम इसने नहीं मिला है तो फिर किसने मिला है? दिनेश जी, शादी की वरमाला की टोकरियां आपने अभी भी संभाल कर रखी हैं? जी सर, संभाल के रखी, अभी तक नहीं फेंकवाई। बुलाइए जरा, हमें चेक करनी हो। कुछ देख रहे हो तुम दोनों? हाँ सर, बाकी सभी टोकरियों पर गोल्डन कलर का पेपर चढ़ा हुआ, सिर्फ एक टोकरी है जिस पर सिल्वर कलर का पेपर है। ये नंबर्स, इनका क्या मतलब है? मैडम, हमने कपल्स को कुछ नंबर दिए थे तो वही नंबर्स हमने टोकरी पर डाल दिए। और दीक्षा और अनुज को कौन सा नंबर दिया गया था? 4 नंबर। 4 नंबर डिलीवरी किसने ली टोकरियों की? सर फूल वाले से डिलीवरी तो हमने ही ली थी, लेकिन मैं बहुत बिजी था तो रवि को हमने प्रॉप रूम की चाबी दे दी थी कि वो टोकरियां वहां पर रख दे। प्रॉप रूम कहाँ है आपका प्रॉप रूम? सर इस तरफ। चलिए दिखाइए। आइए सर, आप ये टोकरियां लेकर आइए। जहाँ पर ये सारा शादी का सामान रखा जाता है, हैं? टोकरियाँ यहीं पर रखी थी? जी सर, ये यहाँ इस टेबल पर। अच्छा, टोकरियाँ यहाँ पर रखी थी। ठीक है, रजत श्रेया काम करो, इस जगह का कोना कोना छान और देखो कुछ मिलता है क्या। जरूर किसी ना किसी ने तो यहाँ अंदर आके छेड़छाड़ की है वरमालाओं के साथ। सर लेकिन सर, इस कमरे में स्टाफ के अलावा और किसी को आने की परमिशन नहीं है, फिर बाहर वाला ऐसे कैसे आ सकता है? तो फिर आप में से किसी ने किया होगा ये, समझा? आप में से। सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ये आप पर भी और आप पर भी। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, हम किसी को नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं। सर, हाँ अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मशरूम्स, शायद जल्दबाजी में ये मशरूम यहीं छूट गया। तो इसका मतलब है ये मशरूम दीक्षा की वरमाला में यहीं पर लगाए गए। बताइए दिनेश जी, क्या कहना है आपको? लेकिन सर ये कैसे मुमकिन है? ऐसे मुमकिन है, चाबी से तभी से इस कमरे का ताला खुलता है ना? और आपने क्या कहा था कि जब ये टोकरियां वरमाला की डिलीवरी के लिए आई थी तब आपने चाबी रवि को दी थी या नहीं? जी सर। तो हो सकता है इस खून में रवि का हाथ हो। बताओ रवि, बताओ, इतनी सारी टोकरियों में से सिर्फ दीक्षा की वरमाला में मशरूम लगे कैसे? मैंने कुछ नहीं किया है सर। लेकिन इस कमरे में तो सिर्फ तुम ही आए थे ना? मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं तो यहाँ ये टोकरियां रख के वापस लौट गया था। तो फिर ये हुआ कैसे? कैसे हुआ ये? एक मिनट सर, लेकिन जब ये टोकरियां रख के मैं बाहर ताला लगा रहा था तो मैंने कुछ आवाजें सुनी। 2, 4, 5 इन्हें तो यहाँ रख दिया, बाकी का काम। हाँ, मिठाई वाला।
आवाज, लगता कोई सामान गिरा होगा। क्या नया बवाल है, यहाँ तो सब ठीक है, बाहर से आई होगी। रवि, तुम्हारे कहने के मुताबिक वो जो भी कोई अंदर था वो तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तुमने कमरे को ताला लगा और निकल गए, उसने वरमाला के साथ छेड़छाड़ की। और सर, उन नंबर्स की मदद से खूनी को पता चल गया कि दीक्षा की टोकरी कौन सी है। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो जो भी कोई अंदर था जिसने ये छेड़छाड़ की होगी, वो कमरे के बाहर गया कैसे? वो क्या है? ये देखो, जो भी खोई है यहीं से भागा, यहीं से। अरे, सारे कांच वापस लगाने के बाद बाहर से ये लास्ट वाली कांच हड़बड़ाहट में टूट गई। बाहर चलकर देखते हैं। यहां से भागा है वो, यहां से। सर, उस गमले में कुछ है। क्या है देखो। लगता है कोई लकड़ी की किचन का टुकड़ा है। लेकिन सर, ये किचन किसकी हो सकती है? खूनी का। हाँ, हो सकती है उसकी किचन। शायद ऐसा हुआ होगा जब वो खूनी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तो शायद उसकी कीचें यहाँ कहीं पर भी अटक गई होगी, लकड़ी की होने की वजह से टूट गई और ये हिस्सा गमले के अंदर गिर गया। मुझे ये कोई अक्षर लगता है। हाँ रजत, है तो अक्षर ही, जरूर कोई अक्षर ही है, मगर कौन सा अक्षर है पता चल जाएगा ना, तो समझ लो कि खूनी का भी पता चल गया। ये मुझे वो भी नहीं लगता, वो भी नहीं लगता, क्योंकि देखो, अगर ये ओ होता तो इसके दोनों छेड़े टूट जाते, मगर यहां तो सिर्फ ये एक ही छेड़ा टूटा हुआ है। ये क्यू भी नहीं हो सकता सर, क्योंकि क्यू भी ओ की तरह गोल होता है। हाँ, और फिर ये अच्छी तरह से गोल भी नहीं है। एक ही हो सकता है अभिजीत। एस। यस सर। हाँ? ये एस ही होगा सर। अभिजीत, अगर ये एस अक्षर है तो हो सकता है खूनी का नाम इस एस अक्षर से शुरू होता है। सर, एस से तो दीक्षा के अंकल का भी नाम है। सूरज। सूरज, सूरज। वैसे सर, एस अक्षर से एक और आदमी है जो इस केस से जुड़ा हुआ है। कौन? सुमित। हाँ, सुमित। लेकिन सर, सुमित तो मर चुका है। लेकिन विनीत, हम ये कैसे मान लें कि सुमित मर चुका है? दीक्षा की पहली शादी के फंक्शन में जो आग लगी थी उसमें सुमित जल के मर गया था सर, कोई भी नहीं बचा था। फ्रेडी, दीक्षा के घर वालों ने हमें क्या बताया था मालूम है ना, कि जितने भी लोग उस आग में मरे थे उन सब की लाशें नहीं मिली, सिर्फ थोड़ी लाशें मिली।
और वो भी पहचान में भी नहीं आ रही थी कि किसकी है। ये सुमित अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, ये जिंदा है। सर इस सुमित को पकड़ना होगा, इसकी एक फोटो है हमारे पास, इसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा उसमें। तो फिर अभिजीत पता लगाओ ये सुमित रहता कहां था, करता क्या था, उसके ऑफिस में जाओ, उसके दोस्तों से मिलो, कहीं ना कहीं तो उसने अपना चेहरा छोड़ा ही होगा। जी हाँ मिस्टर राजीव जी, हमें आपके दोस्त और कॉलीग मिस्टर सुमित के बारे में जानकारी चाहिए। सुमित, उसकी तो कुछ समय पहले। जी हाँ वही। हमें आपके ऑफिस गुड फाइनेंस से पता चला है कि एक आप ही हैं जिसके साथ सुमित की बनती थी, और वो सिर्फ आपकी बात कभी कभी मान लिया करते थे। जी हाँ, बात यह है कि सुमित बहुत गर्म दिमाग का था, पर उसमें पेशेंस तो बिल्कुल नहीं थी, छोटी छोटी बात को लेकर चिढ़ जाया करता था, और इसी कारण उसका ऑफिस में आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा होता था। आप दोनों इतने करीब थे तो उनकी कोई फोटो तो होगी ना आपके पास? सॉरी मैम, फोटो तो कोई नहीं है। कुछ तो होगा, अब ऑफिस के किसी पार्टी की फोटोज, किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी की वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ भी जिससे पता चल सके कि सुमित दिखता कैसा था। आशीष की शादी। ये आशीष कौन है? आशीष हमारा कॉमन फ्रेंड है, उसकी शादी में हम सब लोग गए थे, सुमित भी वहां आया था। आशीष के पास उसकी रिकॉर्डिंग है। आशीष का पता बताइए। सर ये आशीष की शादी की सीडी मिल गई है सर, इसे देखकर पता चल जाएगा कि सुमित दिखता कैसा है। चलो चला कर देखते हैं। सर ये है सुमित, ये चश्मे वाला। बार बार चश्मा ऊपर कर रहा है सर, आपने देखा इसको चश्मा ऐसे ऊपर करने की आदत है लगता है। हाँ, यूं। सर ये रहे सुमित के बैंक अकाउंट की डिटेल्स। सुमित ने 20 जनवरी को अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे। क्या कहा? सुमित ने 20 जनवरी को अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाले? अभिजीत, दीक्षा के घर वालों ने तो हमें कहा था कि 16 तारीख को शादी के मंडप में आग लगी थी, 16 तारीख को, जिसमें सब लोग मर चुके थे, यहां तक कि सुमित भी जल चुका था। तो फिर 20 तारीख को सुमित ने ये पैसे निकाले कैसे? मैंने कहा ना, ये जिंदा है सुमित, जिंदा है, और उसने दीक्षा से बदला भी लिया। हेलो सीआईडी ब्यूरो। हाँ सूरज जी, क्या एक मिनट, क्या नाम लिया? ओके, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा, कुछ गुंडों ने सूरज पे हमला किया है और ये अनुज को किडनैप भी कर लिया है। ये गुंडे कालानगर की बात कर रहे थे सर। अभिजीत, दयाको को सूरज के घर पहुंचने के लिए हम लोग कालानगर चलते हैं। ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जरा हटना। ये क्या? ये कमरा तो पूरा फेस लेस हो गया। यहाँ जरूर कुछ हुआ है। दीक्षा के पिताजी ने इसी जगह का नाम बताया था ना? यस सर, उन्होंने किडनैपर्स की बातें सुनी। किडनैपर्स अनुज को काला नगर ले जाने की बातें कर रहे थे। काला नगर? किडनैपर्स ने जरूर अनुज को यहाँ जंगल में ही छुपा के रखा होगा। यहाँ से आवाज आ रही। सूरज जी, बोल लो। श्रेया, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। सर, ये किसने की? हाँ, किसने मारी गोलियां? इन्हें तो कई गोलियां लगी।
कैसे हो? कौन थे वो लोग? सर, सर। और आपकी बीवी कहाँ है? सर। हाँ? बोलिए। यह ढाका हुआ। शेर ढाका था। अनुज को कैसे छुड़ेंगे? जरा अनुज को फोन लगा के देखो। सर। पहले दीक्षा, फिर उसके अंकल और अब ये अनुज। कहीं अनुज उसका अगला शिकार तो नहीं हो जाए? सर, हाँ, पर उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या? अनुज का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है? हाँ सर। तुम्हारे फोन में नेटवर्क तो है? कैसे हो सकता है? अगर अनुज को जंगल में छुपा के रखा है तो उसका फोन तो ऑन होना चाहिए था। हाँ? क्या? क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या है वहाँ पे? चाबी? सजन, संभाल लेने। चाबी? ओह, ये टूटी हुई कीचेन। इस प्रॉब्लम के बाद जो हमें टूटा हुआ अल्फाबेट मिला था, शायद वो इसी कीचेन का हिस्सा है। इस टूटे हुए अल्फाबेट एस का, और एस का मतलब सुमित। हाँ, सुमित। और इस सुमित ने अनुज को किडनैप किया है। और सूरज जी अनुज को बचाने की कोशिश कर रहे थे और सुमित ने इन पर गोली चला दी। सुमित, ये सुमित जहां कहीं भी है उसे खोद के निकालना पड़ेगा। चीखने की आवाज? हाँ, उधर से। अरे अनुज, अनुज मुझे बचा लो प्लीज। छोड़ो, कुछ नहीं होगा अनुज। लगता है अकल से बहुत दुश्मनी है तुम्हारी, इसीलिए सीआईडी वालों से पंगा ले रहे थे। हाँ? कौन हो तुम? क्यों अगवा किया अनुज को? साहब, हमें काम करने के पैसे मिले थे और कुछ नहीं पता। किसने कहा था करने के लिए? ये किसने दिए थे पैसे? बोल। साहब, चेहरा नहीं देखा, एक ही बार मिले थे। एक बार मिले है ना, तो फिर चेहरा कैसे नहीं देखा? बहुत अंधेरा था साहब, और अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया साहब। क्यों नहीं दिख रहा था अंधेरे में? साहब, बड़ा सा काला चश्मा पहन रखा था, इसलिए साफ नहीं दिखाई दिया। अब तो सब दिखा देंगे हम तुम्हें। निखिल, ले जाओ इन दोनों को। चल। अनुज। अच्छा हुआ सर, अब टाइम पे आ गए, नहीं तो इन दोनों ने तो मुझे मार ही दिया होता। कुछ नहीं होगा तुम्हें अनुज, अब हम लोग आ गए ना, कुछ नहीं होगा। ये बताओ कैसे हुआ ये सब, कब हुआ? सर, मैं और अंकल घर पे बैठे हुए थे, आंटी नहीं थी। अचानक ये दोनों किडनैपर्स घर में घुसे और इन्होंने मेरे सर पर बंदूक रख दी। इनसे बचकर अंकल ने आपको फोन करके इत्तला तो कर दी, लेकिन इन किडनैपर्स ने अंकल की बात सुन ली और तुरंत अंकल को गोली मार दी और मुझे जबरदस्ती उठा के यहाँ ले आए। पता नहीं कौन है सर जो जो मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। सर, वो जो भी कोई है अनुज, यहीं पर है आसपास, सब सुन रहा है, सब देख रहा है, वो जानता है। लेकिन सर, मैंने तो सुमित को कोई भी तकलीफ नहीं दी, पर अब तो दीक्षा की भी मौत हो चुकी है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है सर? अब क्या होगा सर, कहीं
कि उसने मुझ पर वापस हमला कर दिया सर, तो अब तुम पर कोई हमला नहीं करेगा अनुज, हमला तो हम करेंगे। वैसे तुम चश्मा तो नहीं पहनते हो, है ना? तो फिर ये चश्मा कहाँ है चश्मा तुम्हारा? अनुज होंगे, पानी वानी पियोगे मिस्टर अनुज जी? आप सुमित को धमकी देने से पहले इतना तो सोच ले कि तेरे पास हथियार है भी या नहीं। छोड़ दो, छोड़ दे। बहुत दौड़ा है मिस्टर अनुज, मगर सीआईडी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है मिस्टर सुमित। हाँ, दीक्षा से बदला लेना चाहता था मैं, क्योंकि उसने शादी वाले दिन हमारे मंडप में मुझसे शादी तोड़ के मेरा और मेरी फैमिली का अपमान किया था। दीक्षा तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी तो क्या तुम उस पर जबरदस्ती करते? लेकिन यही बात वो मुझे शादी से पहले भी बता सकती थी ना, उसने शादी वाले दिन मुझे क्यों बताया? क्योंकि उसी दिन उसे तुम्हारे गैर कानूनी करतूतों के बारे में पता चला था। क्या करती वो बेचारी? बेचारी नहीं थी, बेचारे तो थे मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, जो उस मंडप में लगी आग में जल कर मर गए। लेकिन लेकिन मैं बच गया, मेरा चेहरा और तुम्हारा चेहरा जल गया तो तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, नया नाम लिया, नया चेहरा बना, नई जिंदगी बन गई और फिर दोबारा तुम दीक्षा की जिंदगी में घुस गए। हाँ। तुम इसके करीब आए, उसे शादी के लिए मना लिया और शादी के मंडप तक उसे ले आए। हाँ, क्योंकि मैं भी उसे मंडप में ही मारना चाहता था। तरीका भी क्या आजमाया, मशरूम से मौत। क्योंकि तुम दीक्षा के इतने करीब आ गए थे, तुम जान गए थे कि उसको मशरूम से एलर्जी। हाँ, दीक्षा के चाचा को गोली क्यों मारी? क्योंकि एक एक करके मैं दीक्षा की पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता। तो फिर तुमने अपनी किडनैपिंग का नाटक क्यों किया? ताकि मुझ पर सीआईडी को शक ना। शक तो तुम पर आखिर तक नहीं था अनुज। नया नाम, नया चेहरा, नई जिंदगी, मगर आदतें वही पुरानी। नाक पर चश्मा ठीक करने की आदत, उसी आदत ने तुम्हें फंसा दिया अनुज, उसी आदत ने। भगवान ने तुम्हें आग से बचाकर एक नई जिंदगी दी थी, मगर बदले की आग में तुमने वो भी गवा दी। बेचारी दीक्षा को मार डाला, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी।